नाराय विशाल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दरमियान प्रोफेसर फसीउज़्ज़मा काशिफ साहब क़िबला मदारी कादरी सत्तारी ओवैसी साहब और उनके साथ खतीबे जीशान हजरत अल्लामा मौलाना रुस्तम अली साहब जाफरी मदारी तैमूरी दोनों हजरात दोनों शख्सियात की तशरीफ आवरी हो गई है। उनकी आमद से आज का ये डायस पुरनूर होने जा रहा है। उनका बालहाना इस्तकबाल कीजिए। आपकी मोहब्बतें उन तक पहुंच गई हैं। बहुत अच्छा तरीका है जो आपने इख्तियार कर रखा है कि अपने महबूबीन का इस्तकबाल आप खड़े होकर करते हैं। ये बुजुर्ग हमें ये अदब का बुजुर्ग नहीं सिखाया है, किसी किताब के अंदर ये नहीं लिखा कि जब हमारे मोहतरमीन आए तो हम उनके लिए उनके अदब में खड़े हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ गुफ्तगू अकीदत और मोहब्बत की होगी, आज सिर्फ गुफ्तगू बुजुर्गों की होगी, आज सिर्फ गुफ्तगू सूफिया की होगी, आज सिर्फ गुफ्तगू मोहब्बत की होगी, अकीदत की होगी। आइए, हमारे दरमियान एक शायर ऐसा मौजूद है जिसने हिंदुस्तान में दमों की भरपूर क्यादत की है, अपने वालिद गिरामी के नाम को रोशन किया है, भरपूर अंदाज आया विरासत से जो उनको लबो लहजा मिला है उसकी पेशकश तो है ही, साथ साथ बेहतरीन शायरी के साथ अपने आप को पहचानवाए जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इन चार शायरों के साथ उन्हें दावत सुगन दे रहा हूं कि पहले अश्के रवा से वजू कीजिए, पहले अश्के रवा से वजू कीजिए, जाने रहमत की फिर गुफ्तगू कीजिए, पहले अश्के रवा से वजू कीजिए, जाने रहमत की फिर गुफ्तगू कीजिए, उठी जाएगी एक दिन निगाहे करम, आरजू 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 कीजिए। आइए जनाब ताविश साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और ना तो मरकबत से हमें नवाजे। जनाब ताविश नैयर साहब का इस्तकबाल आप माइक पर फरमाएं।